बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर रक्षा मंत्री का बयान, जाहिर किया शोक। भारत में पूरी तरह वैक्सीनेटेड हुई 18 से अधिक उम्र की 52.5% आबादी। बीते 24 घंटे में देश में 9,419 नए मामले आए सामने, 159 मरीजों की हुई मौत। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से तेजी से फैल रहा संक्रमण, WHO ने दी जानकारी। एम्प्रेस मॉल में युवती की हत्या, एक तरफा प्यार में उतारा मौत के घाट, गणेशपेट पुलिस थाना में दर्ज हुआ प्रकरण। फ्यूजन में चल रहा था हुक्का पार्लर, पुलिस की छापेमारी, 14 पर मामला दर्ज। बैंक से 30 लाख की धोखाधड़ी, सीताबड़ी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। भ्रष्ट कार्य पद्धति अपना रही बीजेपी, भोयर ने चुनाव आयोग से की शिकायत। गानी सागर तालाब का शुरू हुआ कायाकल्प, मलबान निकालने नाग नदी में छोड़ा जाएगा पानी। विलीनीकरण की मांग पर अड़े कर्मचारी, हड़ताल जारी, बस परिवहन भी शुरू। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।